भाई मतलब अलैकुम, आजकल आप करते हैं चलो मुझे आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आप देखना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर अलहमदिल्ला अभी हम हमारी दो तीन छुट्टियाँ करने के बाद अभी हम जा रहे हैं जी कॉलेज, और कॉलेज आने में लिखे तो 2 दिन टू तीन छुट्टी और जैसी आ गया हमारी कॉलेज वाली छुट्टी दी थी तो थोड़ी मालूम सही दी थी, तो आज फिर चेकिंग वाले ने आना आज 3 दिन, अभी आओ इस दफा में 3 दिन है ना। तो फिर मैंने सोचा कि साथ में तो बहुत गुस्से होना क्या, आपको मैंने बोला भी था कि वर्दी फॉर्म वगैरह ना, तो फिर मैंने जर्सी ले ली है साथ, और मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैंने इसलिए मार्केट को वहाँ पर डाला था तो थोड़ी सी खुश होगी, तो थोड़ी सी हम कॉलेज जा कर रखेंगे तो इन शाला वो खुश हो जाएगी, तो फिर इन शाला हम डाल लेंगे कॉलेज में जा कर अंदर रखेंगे ना धूप के अंदर, क्या पता धूप निकला क्या कर खोल के रखेंगे तो इन शाला वो सूख जाएगी ना, तो फिर इन शाला हम डाल देंगे दोबारा वापिस। बिस्ती से हम मशे चैकिंग वाले भी आने हैं और हमारी वजह से ये सारी की बिस्ती हो इंसल्ट हो तो हम ये इसके बजाय हम थोड़ी मुझी मुश्किल को सामने कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसलिए साथ रख लिया अगर मसल के बंदा ना ना भी सूखेगी तो जैसे ही चेकिंग वाले आएंगे वैसे ही हमारा इंशाल्लाह दोबारा डाल लेंगे, इसकी वजह से मैंने साथ ले लिया। तो अभी हम जाने लगे हैं कॉलेज, चलते हैं कॉलेज। आज मौसम रात को हल्की हल्की बारिश हुई थी और अभी मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है, आज इंशाल्लाह धूप निकलेगी तो अपनी ठंड का ना परेशान इंशाल्लाह अल्लाह का फजल करके खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से चलते हैं हम कॉलेज और कॉलेज पहुँचते हैं इंशाल्लाह। जिला कॉलेज में पहुँच गया हूँ और मैंने जब भी ऑफिस आता है क्योंकि बनेरा बनेरा होता है क्या कहते हैं इसको जो भी कहते हैं सारदन जो भी है उसको मैंने साफ कर उसके ऊपर मैंने जर्सी रखी हुई है और अभी इंशाल्लाह ये खुश होगी मेरे लिए थोड़ी सी सीढ़ी कैसे कहते हैं वो है, तो अभी इंशाल्लाह हवा पर ही ना कुछ सूख जाती है, फिर इंशाल्लाह डाल लेंगे। अभी लेक्चर स्टार्ट हो रहे 15-20 मिनट है दो तीन अभी रखती है जैसे ही इंशाल्लाह खुश होगी फिर इंशाल्लाह हम उसको डाल लेंगे और लेक्चर ले इसके नीचे डाल देंगे 3 बजे तक हम इसके बाद फिर खा लेंगे 3 बजे किसी की काम तो नहीं आनी लेकिन उसको खा भी इसको दबा कर देंगे इसी वजह से इसके बाद भी ऊपर छत पे रहते हैं, लंच हमारा नीचे है लेकिन हम छत पी लेंगे नीचे वाला ऐसे सीटी पर डालते हैं चलते हैं नीचे। और लेकिन अलहमदिल्ला अभी हम करने जॉइंट करना सीख रहे हैं जी, तो ये हमने बनाया तो सेम टू सेम ऐसे लग रहा था जैसे वो डॉक्टरों ने गले के अंदर नहीं डाला होता, तो मुझे अभी नाम भूल गया और मैं सोच रहा था कि अभी हम डिप्लोमा करने के लिए आए या डॉक्टर बनने के लिए, सेम टू सेम वही चीज़ बनी है और आप आके देख भी सकते हैं जब हम मुकम्मल करते हैं फिर हम इंशाल्लाह आपको दिखाते भी हैं। सारा राने तार तैयार की दिए मल पा गए और साढ़े डॉक्टर साहब के कन्ना तक जान नहीं दई तो पिता चेक करते पे ने खाली से होके वापिस आ चुके हुए हैं, तो हम घर आए हैं तो लाइट नहीं है पता नहीं कब की गई है, लाइट पता नहीं कब की गई हुई है, तो अभी फिलहाल हम जल्दी से नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज के बाद देखेंगे अगर लाइट तो आ गई तो नहा लेंगे नहीं तो फिर ऐसे ही कपड़े डाल देंगे, लेकिन देखते हैं लाइट आती है या नहीं पता नहीं कब की गई हुई है कोई पता नहीं, जल्दी से नमाज पढ़ लेते हैं। लाइट भी हमारी आ गई है तो अभी हम आराम से जल्दा मैंने आपको बोला था ना कि 2-3 दिन गर्मी धूप लगनी शुरू हो गया तो फिर गर्मी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, सर्दी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, मैं गर्मी बोल रहा हूँ गर्मी तो आएगी। तो मैं सुबह जर्सी पहले मैं 2 जैकेट डाल के गया हुआ था, तो मैं वो एक तो आती मैंने जैकेट जर्सी थी वो भी छोटी टाइम मुझे ना सिर्फ गर्मी गर्मी जैसे महसूस होती वैसे महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने बोला बाइक पे दोस्त के साथ में आया था तो मैंने बोला कहीं बाहर ना चाहिए इस वजह से मैंने नहीं उतारी, तो अभी आगे मैं लेटा हूँ ये रजाई के अंदर, पहले ऊपर कंबल था मैंने कंबल पहले साइड पे किया देख सकते हैं आप, पहले कंबल साइड पे किया फिर मैंने रजाई साइड पे किया और फिर मैं जाना उठ ही गया था कि मैंने बोला गर्मी बहुत ज़्यादा लग गर्मी मुझे ना जैसे सुई है नहीं जैसे चुपती वैसे होने लग पड़ा था मुझे गर्मी ऐसे हो ऐसे ही होता जा गर्मी लगनी तो मैंने उतार के दूर कर दिया, मैंने बोला गर्मी गर्मी लगनी शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता देख लेना तो ये तो 10-7 तारीख हो गया 15 तारीख तक देख लेना लोगों ने जर्सियाँ जुर्सियाँ हमने उतार दी है, फिर मौसम भी आया
बस ठीक है फिर, कोई टेंशन नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई बात नहीं, सब सर्दी सब ठीक हो जाएगा। वैसे तो सब मौसम अल्लाह के जैसे अल्लाह तला बनाते ऐसे बनाए हुए, लेकिन बस हम लोग ना शुक्रिया, लेकिन फिर भी जो होता है बेहतर होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं जाकर चीज़ लेके आया और हम चीज़ खाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम मज़ी सर की नमाज़ का भी टाइम होने वाला है। देख सकते हैं आप सिर्फ 5 मिनट रह चुके हैं, तो ये खा के फिर नमाज़ पढ़ लेते हैं। असर की नमाज़ मैंने पढ़ लिया जी, और मुझे लग रहा था जैसे मिनट बच्चे वैसे ही ना महसूस हो रहा है, लेकिन अभी मुझे मुँह का जायका भी चेंज हुआ है, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे बुखार हुआ नहीं, वैसे मुझे महसूस हो रहा है, तो लगता ही है ऐसे ये मुझे ना बुखार हो गया हुआ है, क्योंकि सुबह मैंने गीली जर्सी डाल ली ना, उसकी वजह से ना मुझे बुखार लगता है हो चुका हो गया, क्योंकि मुँह का जायका भी चेंज है। वैसे भी जो ना गर्मी गर्मी जाती लग रही, वैसे भी मेरा खून बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ऐसे ही कुछ होता है कि लगता है कि गर्मी सर्दी लग चुकी है। तो कोई बात नहीं, मेडिसिन खाएंगे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो अभी हमने कॉलेज का काम करना है जी, बैठ के इंशाल्लाह अभी हम करते हैं जी कॉलेज का काम जल्दी से, तो अपना काम उठाते हैं वो सब इंशाल्लाह अभी बस ठीक हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अभी हम जल्दी से बैठ कर काम करते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग, बस इतना सही बन सके। अगर आपको व्लॉग पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने माँ को पूछ रहे हैं मुझे लगता है इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।